So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career as driver interview. Students, आज हमारे पास जितने भी question हैं, वो driving के aspects के questions हैं और जो लोग driving में अपना career बनाना चाहते हैं, definitely उन drivers के interviews के लिए बहुत benefit वाला questions हैं और जितने भी questions हम आज लेकर आ रहे हैं आपके लिए, सारे questions driving related आपको मिलेंगे इस particular interview के अंदर। Hope आप हमारे दोनों channel PD classes interview guide से body language, personality development, spoken English, interview classes देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो प्लीज हम आशा भी करते हैं आप हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे। और अब मैं मुक्ता आपको बताना चाहता हूँ, ये एक मॉक सेशन है। yes, sir. तो मुक्ता, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि एक ड्राइवर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके हिसाब से। या श्योर सर, मैं ऑफकोर्सली बताना चाहूंगी कि इसमें ट्रैफिक रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसे हैंडल करना आना चाहिए, एंड फर्स्ट प्रेफरेंस उसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। एंड सेकंड इज वन, कार की उसे ड्राइविंग की नॉलेज होनी चाहिए, एंड कार की उसे मेंटेनेंस बना के रखे उसे मीन्स आनी चाहिए, एंड रोड एक्सीडेंट हो तो उसे हैंडल करना आना चाहिए, किस अकॉर्डिंग हैंडल करते हैं, एंड उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए ड्राइविंग को, रोड ड्राइवर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, उसमें मैनर्स और एटिकेट्स अच्छे होने चाहिए, और उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि वो काफ़ी तेज ड्राइविंग ना करे ताकि एक्सीडेंट्स ना हो सके। यस सर। चलिए मुझे ये बताइए कि आप ड्राइविंग प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? यस सर, आई हैव ए पैशन टू ड्राइव, और सर मैंने ड्राइविंग स्कूल भी ज्वाइन किया था। इससे मुझे काफी अच्छे से ड्राइविंग आती है, एंड सर मैं 12 आवर्स लगातार ड्राइविंग कर सकती हूँ अच्छे से। यस सर। इतना लॉन्ग रूट पे आप जा सकते हैं? यस सर, ऑफ कोर्स। आप कितनी स्पीड तक मैक्सिमम आपने चलाया हुआ है अभी तक, कार वगैरह हो या कोई व्हीकल? यस सर, सर मैंने 150 पर किलोमीटर की जो कार की स्पीड है मैंने ड्राइविंग की हुई है। इतनी तेज? यस सर। तो व्हाट इज द रीजन कि इतना तेज आपको चलाना पड़ा? तो इतनी ज्यादा आप फास्ट चलाते हैं गाड़ी? नो सर, एक बार एक इमरजेंसी थी तो मैंने इस स्पीड में कार ड्राइव की थी। सो मेरे पास कॉल आई थी, एक बच्चे को वोमिटिंग हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं उस टाइम इस काफ़ी स्पीड में थी क्योंकि मेरे लिए जो बच्चा है उसको वोमिटिंग हो रही थी वो ज़्यादा इमरजेंसी थी मेरे लिए, तो मैं वहाँ गई एंड उसे हॉस्पिटल मैंने पहुँचाया। ओके, इसलिए आपने गाड़ी तेज चलाई? यस सर। ओके ओके, चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। यस सर। What task do you perform in your current position as a driver? Means आपका present में क्या job, क्या है job profile क्या आपका इस समय? Yes sir, driving, cleaning and maintenance of vehicle, and ये मेरा work है। Okay. जो मेरा main focus है वो customer satisfaction पर रहता है sir। Okay. Yes sir. My next question to you is, what is your driving record? आज तक आपका record कैसा है? सर मेरा जो आज तक का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन है। okay. क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई भी रोड एक्सीडेंट नहीं किया है। मैं ड्राइवर्स को रिस्पेक्ट देती हूँ रोड पर और अटेंटिव रहती हूँ। आई अवॉइड ओवर स्पीडिंग, आई ऑल्सो अवॉइड रोड रेज। ओके। यस सर, आई अवॉइड डोजिंग ऑफ ऑन द रोड। राइट। मुक्ता, आपने बोला आप व्हीकल मेंटेनेंस भी कर लेते हैं। yes, तो ऐसा पॉसिबल कैसे होता है? यस सर, सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है। okay. इसलिए मुझे काफ़ी अच्छे से नॉलेज है, मुझे अच्छा नॉलेज है व्हीकल के इंजन का एंड ब्रेक्स का एंड स्टीयरिंग का। ओके मुक्ता, सपोज कस्टमर इज फ्यूरियस ड्यू टू ए चेंज इन डायरेक्शन, नाउ हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन? मान लीजिए कस्टमर बहुत नाराज हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं आपसे। yes, कि आपने कोई डायरेक्शन बदल दी और दूसरी डायरेक्शन से आपने उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने का सोचा, तो वो इस बात से बहुत नाराज हो रहे हैं, तो आप कैसे हैंडल करोगे? यस सर, सर मैं काम एंड कूल गर्ल हूँ। okay. और सबसे पहले मैं उनकी बात सुनूंगी सर, उसके बाद उस सिचुएशन को हैंडल करूंगी। सर मैं सबसे पहले उनकी पूरी बात सुनूंगी, फिर उनको रीज़न दूंगी कि मैंने ये डायरेक्शन क्यों चेंज किया है। क्योंकि कई बार सर ऐसे होता है कि रोड पर काफ़ी ट्रैफिक होता है। okay. इस अकॉर्डिंग मैं उनको रीज़न दूंगी। कई बार रोड पर एक्सीडेंट भी हुआ होता है और कई बार ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इस रीज़न से मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि मैंने इसलिए अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज की थी। मुक्ता, कैन यू वर्क ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट्स आल्सो? यस सर, मैं फिजिकली फिट हूँ एंड फ्लेक्सिबल हूँ, एंड नाइट शिफ्ट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत अच्छे से हैंडल करूँगी। ड्राइविंग मेरा पैशन है एंड मैं एक बोल्ड गर्ल हूँ, इसलिए मुझे नाइट शिफ्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुक्ता, एनी सिचुएशन वेयर योर स्किल्स एज अ ड्राइविंग आर टेस्टेड, जहाँ पर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो एज अ ड्राइवर?
यस सर, सर मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे पास एक कॉल आई थी, जो छोटा बच्चा था उसको वोमिटिंग काफ़ी तेज हो रही थी एंड उसे मैं एमरजेंसी थी तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई थी एंड मुझे शॉर्टकट काफ़ी पता थे तो ये सिचुएशन मैंने काफ़ी अच्छे से हैंडल की है। उस समय मैंने अपनी जो कार की स्पीड है वो 150 रखी थी और मेरे को शॉर्टकट काफ़ी पता थे तो मैंने वहाँ से अपनी कार को निकाला एंड उसे सही जगह सही डायरेक्शन में उसे हॉस्पिटल पहुँचाया। यस सर। मुक्ता, डू यू यूज एनी टेक्नोलॉजिकल अप्लायंसेस? कोई टेक्नोलॉजिकल अप्लायंस वगैरह आप यूज करते हो ड्राइविंग के समय? या श्योर, ऑफ कोर्सली मैं यूज करती हूँ जीपीएस यूज करती हूँ मैं एंड ड्राइविंग के समय यूज करती हूँ उसे, क्योंकि मुझे कहीं भी मैं अगर जाती हूँ इमरजेंसी में मुझे कोई भी काम होता है तो मैं उस लोकेशन को यूज करती हूँ, मैं उसका अच्छे से यूज कर सकूँ। नई जगह जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और मेरे जो टाइम की है वो बचत होती है, इसलिए मैं जीपीएस सिस्टम यूज करती हूँ। वेरी गुड। यस मुक्ता, एज अ ड्राइविंग कैंडिडेट मैं चाहता हूं कि आप अपनी कोई ऐसी क्वालिटीज हमें बताइए जो मोटिवेट करे हमें आपको सिलेक्ट करने के लिए। यस सर, एब्सोल्युटली, कि जो मेरा जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और सर मैं ऑनेस्ट हूँ और सर मेरे जो फ्रेंड्स हैं मुझे वर्सटाइल कहते हैं क्योंकि मैं पंक्चुअल गर्ल हूँ एंड चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी काफ़ी अच्छी है। यस सर। मान लीजिए कभी कस्टमर आप को टीज कर रहा है या आपके साथ लगातार बोल रहा है और आप डिस्टर्ब हो रही हैं, yes, तो आप क्या करती हैं? सर मैं ऐसी कंडीशन में कस्टमर पर फोकस नहीं करती, मैं अपनी ड्राइविंग पे फोकस करती हूँ। सर मेरा यही मकसद है कि मैं उस कस्टमर को सही जगह पर पहुँचा सकूँ, इसलिए सर मैं अपनी जो ड्राइविंग है उस पर ज़्यादा फोकस रखती हूँ। मुक्ता, व्हाट डिफिकल्ट पार्ट यू एनकाउंटर्ड एज अ ड्राइवर? मींस आपको कौन सा ऐसा पार्ट लगता है कि ड्राइविंग के अंदर ये बहुत पार्ट है ऐसा जिसमें आपको बहुत डिस्टर्ब होना पड़ता है या आप तंग होते हैं? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग मेरा एक पैशन है एंड काफी मेरा जुनून है एक तरीके से, और सर मैं उसे काफ़ी अच्छे से हैंडल करती हूँ। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे कि एंड जब कभी बैड वेदर होता है या फिर कस्टमर्स वेट बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं तो उस सिचुएशन में सर कई बार वेदर ऐसा होता है कि बारिश होती है, मौसम काफ़ी ख़राब होता है, ये चीज़ मुझे काफ़ी रियलाइज़ करवाती है कि ये जॉब है मेरे लिए थोड़ी टफ है। तो आपको क्या लगता है कि इस बात से कि बैड वेदर और वेटिंग टाइम इज मोर, तो इस चीज़ से आपको सीखने को क्या मिलता है? इस चीज़ से मुझे सर सीखने को मिला है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। अगर हमारे अंदर धैर्य होता है तो हम कोई भी काम जितना भी हार्ड से हार्ड वर्क है वो उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। What category of vehicles you can drive? Yes sir, I can drive 2-wheeler as well as 4-wheeler. मुक्ता, हमारे पास और भी बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो ड्राइविंग पोस्ट के लिए हैं, तो हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? यस सर, सर मैं बताना चाहूँगी कि जो बाहर कैंडिडेट्स खड़े हैं मैं उनके साथ अपना कंपेयर तो नहीं कर सकती, बट मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं एक हार्डवर्कर गर्ल हूँ, मैं हर एक कार्य को बहुत अच्छे से हैंडल करती हूँ। सर मुझे वास्तव में एक चांस चाहिए कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को शो कर सकूँ। मुक्ता, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस? आप सैलरी कितना डिमांड करेंगे? यस सर, सैलरी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आर मोर इम्पोर्टेंट। मुक्ता, मान लीजिए इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? जी सर, सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। अनफॉर्चुनेटली अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मुझे मेरी वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा एंड सर मैं नेक्स्ट टाइम सिलेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। सर मैं ट्राई अगेन पर विश्वास करती हूँ। मुक्ता, डोंट यू थिंक द ड्राइविंग जॉब इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस? बहुत टफ जॉब है ये। यस सर, बट फॉर लेजी पीपल, और सर मैं लेजी गर्ल बिल्कुल भी नहीं हूँ एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ एंड पंक्चुअल गर्ल हूँ। मुक्ता, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या आपका? यस सर, श्योर। सर मैं बताना चाहूंगी कि माय स्ट्रेंथ आर दैट आई एम ए पंक्चुअल, कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक गर्ल। और आपकी वीकनेस? यस सर, सर मेरी वीकनेस है कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश एंड इन दिनों मैं सर इंग्लिश भी सीख रही हूँ पीडी क्लासेस से। सर गॉडफादर ऑफ ग्रामर इंग्लिश है जो आपके ही द्वारा लिखी गई बुक है एंड कई कस्टमर्स होते हैं कि सर हमारे साथ वो इंग्लिश में बात करते हैं, और सर मुझे लगता है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ड्राइविंग जॉब में। यस सर। और आपकी हॉबीज? यस सर, सर मेरी हॉबीज है कि मुझे नए कल्चर्स के बारे में जानना, नई जगह जाना, न्यू फ्रेंड्स बनाना, ये मेरी हॉबीज है। मुक्ता, आप हमसे कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहेंगे? यस सर, सर वैसे तो मुझे कार मेंटेनेंस का बहुत अच्छा नॉलेज है और सर मैंने इसमें डिप्लोमा किया है, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं एब्सोल्युटली आपसे पूछूंगी। सर मैं अपने अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज को डेवलप कर सकूं कि मैं एक अच्छी ड्राइवर बन सकूं? ओके मुक्ता, कीप इट अप, माय ब्लेसिंग्स आर विद यू, कीप इट अप, वेरी नाइस।
I hope the session was quite good with the candidates and hope they learned so many new questions regarding driving session. Thank you for watching all these videos. Thank you, dosto.